बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो यहाँ पर हम पीसीसी कंक्रीट जो कि फ्लोरिंग के लिए किया जाता है वो कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। अच्छा, फ्लोरिंग से पहले हमने क्या करना होता है, बेसिकली ये करना होता है कि यहाँ पर मट्टी पड़ी होती है, नॉर्मल जो हमारी मट्टी है उसकी हमने बैक फिलिंग की है, ठीक है। उस बैक फिल्ड मट्टी को सही तरह से हमने लेवल करना होता है, ठीक है। जब वो लेवल हो जाए, उसकी कंपैक्शन बेहतरीन तरीके से हो जाए, तो उसके ऊपर हमने ये वाटर बाउंड मैकेडम डालना होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपका नॉर्मल गेड़ा जिसको बोलते हैं ये वो है, ठीक है। ये देखिए, ये मुख्तलिफ साइज़ के इसमें मटेरियल होता है, ठीक है। ये डाल के इसको लेवल किया जाता है, और लेवल करने के बाद इसके ऊपर ये जो सामने नज़र आ रहा है ये स्टोन डस्ट है, स्टोन डस्ट डाला जाता है। तो जब स्टोन डस्ट इसके ऊपर डाला जाए तो इसमें फिर फ़ायदा ये होता है कि इसकी बेहतरीन किस्म की फिलिंग हो जाती है, ये जो गेड़ा है। और जब इसकी फिलिंग हो जाए तो अगर नीचे से पानी ने आना है तो वो इस लेवल पर आके रुक जाता है और हमारे फ्लोरिंग को वो नुकसान नहीं पहुंचाता, और स्ट्रेंथ भी ऊपर से फ्लोरिंग को मिल जाता है। तो ये एक तरीका है, अगर आप लोगों ने फ्लोरिंग करनी है अपने घरों के अंदर तो उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आप लोग ये चीज़ें मिस ना करें, उससे फ्लोरिंग महफूज होगी, टाइल जो है उससे जिसको बोलते हैं कि आवाज़ आ रहा है वो आवाज़ नहीं आएगी, और नीचे से अगर पानी का कोई कंटेंट आता है तो वो भी ऊपर नहीं आता।